विगत एक वर्ष से ज़्यादा समय से कोरोना महामारी से हम सब जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी, कोरोना इन्फेक्शन के कई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखने को मिले हैं। कोरोना संक्रमण शारीरिक प्रभाव के साथ साथ कई मानसिक परेशानियां भी उत्पन्न कर रहा है। प्रायः ये देखा गया है कि कोरोना संक्रमण से ग्रस्त व्यक्ति अथवा उनके परिजनों में, अथवा जो संक्रमण से प्रभावित नहीं हैं, उन लोगों में भी कई तरह की मानसिक समस्याएं देखने में आ रही हैं, जैसे डर, भय, बीमारी का विभिन्न तरह की आशंकाएं, हताशा और निराशा की भावना और एक हेल्पलेसनेस की स्थिति। शोध में ये पाया गया है कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक रहती है तो व्यक्ति कई तरह के मानसिक रोगों से भी ग्रस्त हो सकता है। उसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। एक बहुत ज़रूरी बात जो आजकल सोशल मीडिया में कोरोना से संबंधित कई तरह की जानकारी जो कि सही, कई बार सही नहीं होती हैं, अफवाहें, वैक्सीन से संबंधित अथवा कोरोना महामारी के इलाज से संबंधित सोशल मीडिया में लोग शेयर कर रहे हैं, इन जानकारी या बातों पर पूरी तरह से विश्वास ना करें। और नकारात्मक जानकारी किसी को सोशल मीडिया में शेयर करने से परहेज करें, क्योंकि इस तरह की नकारात्मक बातों से और अफवाहों से कई तरह की समस्याएं होती हैं और मानसिक रूप से भी लोगों में भय और डर का एक माहौल होता है। ऐसी कोई जानकारी शेयर करने से पहले उसकी पुख्ता रूप से जांच कर लें और जो वैलिड सोर्सेस हैं, गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, केवल उनसे ही जो संबंधित जो जानकारी उसमें कोरोना से संबंधित होती है वही शेयर करें, अन्यथा इसको शेयर ना करें। अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ मूलभूत बातें हैं जो बहुत आवश्यक हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है कि आप भरपूर नींद लें अपनी आवश्यकता अनुसार और सुपाच्य एवं संतुलित भोजन करें, अपनी एक निश्चित दिनचर्या बनाएं, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन से अपने तनाव का मैनेजमेंट करें, तनाव का प्रबंधन करें और नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी भावनाएं, अपनी परेशानियां, आशंकाएं, डर और अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको अपने प्रियजनों, रिश्तेदारों से शेयर करें और अपने प्रियजनों से, रिश्तेदारों से एक संवाद बनाए रखें, वीडियो कॉल के द्वारा या ऑडियो या वीडियो कॉल के द्वारा उनसे या व्हाट्सएप के द्वारा उनसे संपर्क बनाए रखें। सबसे आवश्यक बात है आजकल के कोरोना संक्रमण में, संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार। कोविड अनुकूल व्यवहार का मतलब है कि हर समय अक्सर मास्क पहनना और सही तरीके से मास्क पहनना, हाथ को कई बार धोएं, साबुन पानी से धोएं या सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, बिना किसी कारण से घर से बाहर ना जाएं, सार्वजनिक स्थानों से परहेज करें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग ना करें एवं घर में के कमरे हवादार
और वेल वेंटिलेटेड रखें और खुले खिड़की दरवाजे खुले रखें जिससे घर का वेंटिलेशन होता रहे। एक सकारात्मक बात यह है कि 90 से 95% लोग स्वतः ही कोरोना संक्रमण से ठीक हो जाते हैं, पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, और केवल कुछ लोगों में जिनमें बुखार कई दिन तक रहता है, सांस में लेने में दिक्कत हो अथवा उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 92% से नीचे हो, उनको अस्पताल में दिखाने की आवश्यकता होती है। हर समय अगर संक्रमण होता है तो घबराएं नहीं, आशंकित ना हो और चिकित्सक की राय लें, नज़दीकी कोविड सेंटर में परामर्श लें। आपसे एक निवेदन है, विनती है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि इस इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने परिवार से दूर रहकर संक्रमण के खतरे में रहते हुए अपने आपके और आपके परिजनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका सहयोग करें, उनका सम्मान करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। अंत में मैं ये कहूँगा कि COVID-19 की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें और एक ज़िम्मेदार नागरिक बने, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।